हेलो गाइस, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है हमारे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ऑलरेडी कि हमारे पास एक सरप्राइज है। आज हम ट्यूटोरियल वीडियो बनाने वाले हैं हाउ टू डू हाइड्रा फेशियल। तो हाइड्रा फेशियल के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मशीन होती है जिसमें ये 3 सीरम्स होते हैं और ये हमारे पास प्रॉप्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम जो है हाइड्रा फेशियल करते हैं। सो बेसिकली इसमें अगर हम आपको थोड़ी सी नॉलेज दें, ज़्यादा डीप तो हम नेक्स्ट वीडियोस में भी बता देंगे आपको, पर हल्का फुल्का मैं अभी आपको बता देती हूँ कि ये बेसिकली हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए होता है। ऑल स्किन टाइप के अकॉर्डिंग टूल्स होते हैं, ऑल स्किन टाइप के अकॉर्डिंग इसमें सीरम्स होते हैं और जो प्रोडक्ट इसमें यूज होते हैं, प्रोडक्ट आप कोई भी यूज कर सकते हैं सिवाय आप पील के या फिर ब्लीच के। ब्लीच और पील आपको स्किन के अकॉर्डिंग, आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग सजेस्ट करके ही देना पड़ेगा। और जैसे कि आज हम इसके साथ जो प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले हैं O3 प्लस के प्रोडक्ट। तो अगर आपके पास अरोमा के हैं तो आप अरोमा के भी यूज़ कर सकते हो। ये अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट ही यूज़ करना, क्योंकि अगर आप इनको लोकल ब्रांड्स के प्रोडक्ट के साथ यूज़ करते हो तो आपकी मशीन जो इतनी महंगी आप लेते हो वो ख़राब होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो मेक श्योर प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। तो आइए आपको दिखाते हैं हमारे क्लाइंट की बिफोर की स्किन। सो गाइज, जो ट्रीटमेंट हम देने वाले हैं, हम अपने क्लाइंट को ट्रीटमेंट देने वाले हैं ओपन पोर्स के लिए और स्किन में जो टैनिंग हो रही है उसके लिए, स्किन लूजिंग के लिए और जो जिससे कि स्किन टाइट हो जाए, जिससे कि स्किन जो है और ज़्यादा हाइड्रेट हो जाएगी और स्किन रेनोवेट हो जाएगी। सो गाइज, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ये O3 प्लस का हमारा वाइटनिंग क्लिंजर है। क्लिंजिंग फॉर्म इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करना है क्योंकि O3 प्लस के प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत अच्छे होते हैं। जितनी कम क्वांटिटी में आप लगाते हो उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। सो पूरे फेस के साथ साथ जो है हम अपने क्लाइंट के नेक एरिया और बैक के एरिया को भी प्रॉपरली कवर अप करेंगे। सो गाइज, हमने इसके जो प्रॉप्स है वो इसके साथ अटैच कर दिए हैं। सो मेक श्योर इसको टाइट करना मत भूलना, नहीं तो आपके प्रॉप्स जो हैं अभी वेस्ट, आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी होगी और आपके प्रॉप्स भी ख़राब होने के चांसेस हैं। तो मेक श्योर हर प्रॉप के ऊपर ना यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोल्ड RF, ये स्प्रे के लिए है, ठीक है। और पीछे जो है यहाँ पर जो है दो बॉटल्स हैं जिसमें कि हमने फिल्टर वाटर डाला हुआ है और जो भी हम क्लीनिंग करेंगे वो यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्रेनेज होती रहेगी। ये एक्स्ट्रा बॉटल है ड्रेनेज के लिए। सो गाइज, यहाँ पर एक रेड स्विच है, यहाँ से हम अपने जो है हमने प्लग तो है ऑन कर लिया है स्विच पीछे से पावर का। अब यहाँ से हमने मशीन ऑन कर दिया है, तो देखिए यहाँ पर हमारी स्क्रीन ऑन हो गई है। तो अब ये स्क्रीन को हम जैसे ही टच करेंगे वैसे ही हमारे ये टूल्स के बारे में यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे कि हम सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है स्क्रबर का, तो हम स्क्रब करेंगे सबसे पहले। नाले कर रही हूँ, ठीक है तो दिखा। सो गाइज, जैसे कि हमारे पास ये 3 बटन्स हैं, यहाँ पर हमने एक भी कर दिया क्योंकि हमने ए में ऑलरेडी वाटर फिल्ड करके रखा है, प्लस इसमें हमने अपना सीरम भी डाल दिया है, ठीक है। तो जो हमारा ए जैसे कि ऑल स्किन टाइप के लिए है और प्लस सेंसिटिव स्किन के लिए, और हमारे क्लाइंट की जो स्किन है वो सेंसिटिव और ऑल स्किन टाइप है, मतलब कॉम्बिनेशन से स्किन है, तो हम ये ए पे हमने कर दिया। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी वाटर की है मैक्सिमम या मिनिमम करेंगे, हम मीडियम कर देते हैं अभी, ज़्यादा मिनिमम भी नहीं। और जो इसकी फ्रिक्वेंसी रहेगी वो एयर की, वो थोड़ी सी हम तेज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने ए से जो है हमारा प्रोडक्ट आएगा, बिकॉज लेकिन यहाँ पर हम अभी स्क्रबर कर रहे हैं तो स्क्रबर में इनका यूज़ नहीं होता है। स्क्रबर में हमारा डायरेक्ट यूज़ होता है कि हमने सीरम ऑलरेडी लगा के रख दिया, इतना सीरम लगाना है कि आपकी स्किन के ऊपर वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं कि वो टप टप करे और बहुत कम भी नहीं कि स्किन के ऊपर हमारा स्क्रबर चले ही नहीं। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे अब मशीन को स्क्रब के लिए। Thank you.
स्क्रबर का काम जो है कंप्लीट हो चुका है और उसके लिए हमने सीरम अप्लाई किया था और अब हम करने वाले हैं एब्रेजन। तो यहाँ पर इसका स्विच ऑन होता है, यहाँ से भी हम ऑन कर सकते हैं यहाँ से भी। और इसके इसका जो काम है बेसिकली वैक्यूम का है, तो आपके फेस के जितने भी डस्ट है, डर्ट है, जितने भी आपके व्हाइट हेड है, ब्लैक हेड है, ये उनको ईजिली सक्शन करके निकाल देते हैं। और इसके सबसे अच्छी चीज़ का यहाँ से इसका जो है कनेक्शन है पूरा पूरा, हमने इसकी पूरी सेटिंग कर दी है कि हमें कितनी स्पीड पे चाहिए और इसको कितना ज़्यादा सक्शन चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम। और ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है इस हिसाब से इसमें वर्क करेंगे। और इसका स्विच यहाँ पर भी है और इसको हम बोलते हैं एब्रेजन। ठीक है, एब्रेजन से हम पूरी स्किन को स्ट्रेच करके वर्क करेंगे। सेक्शन का सारा वर्क कंप्लीट हो चुका है और ऑलरेडी मुझे स्किन बहुत अच्छी लग रही है मैम की, क्योंकि जितने भी व्हाइट हेड थे, ब्लैक हेड थे, उसने ऐसे खींच लिए स्क्रबर ने और ये हमारा जो वैक्यूम वाला जो वर्क कर रहा है प्रेजेंट उसने। और अब मैं करने जा रही हूँ सीरम स्प्रे। तो इसके लिए मैं अरोमा मैजिक का स्प्रे कर रही हूँ जो कि स्किन सीरम है, ऑल स्किन टाइप है ये भी। और ये स्किन को हमने क्या करना है, इसके नीचे ये छोटी सी बॉटल लगी हुई थी कांच की और इसमें ना थोड़ा सा हमने पानी मिक्स किया है। ठीक है, तो मैं अगर आप चाहो आप कम भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रे कर रही हूँ। और इसमें मैं ये सीरम पूरा डाल दिया है क्योंकि सीरम की क्वांटिटी बहुत ही कम है। तो ये स्प्रे का जो वर्क है बेसिकली स्प्रे ये करेगा पूरे फेस पे, इक्वली इसकी एप्लीकेशन कर देगा ताकि जो हमने अभी पोर्स ओपन किए हैं ये उसके पोर्स के अंदर तक जाके वर्क कर सके। सो गाइज, हमारा सीरम एप्लीकेशन हो चुका है। स्प्रे पूरे फेस में इतना अच्छे से डीपली पूरी स्किन के अंदर वेव्स नज़र आ रही थी जब हम उसे एप्लीकेशन कर रहे थे प्रॉपरली, और पूरा प्रॉपरली जो है अप्लाई हो चुका है। और अब हम अपने इसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक हमारा प्रॉप, तो इसके साथ जो है हम अपनी स्किन को पेनिट्रेट करेंगे। जब हम इसको चलाते हैं ना तो गाइज हमें पता नहीं लगता ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो आपको एक एग्जाम्पल दिखा दें चलता है तो कैसे चलता है हमें पता लग जाएगा। ये देखो मैंने इसके ऊपर हल्का सा पानी डाला है और अब मैं इसको ऑन करूँगी। तो ये देखना अभी थोड़ी देर में जो इसकी बूंदें होती हैं ना वह नाचने लग जाती हैं। सो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ पानी डाल दिया इसके ऊपर, देखना इसकी बूंदें कैसे नाचती हैं। ये देखो अच्छे से थर्ड लेयर तक पे जाके वर्क करेगा। सो गाइज अभी मैं पूरे फेस के ऊपर ना जेल अप्लाई कर रही हूँ, वाइटनिंग जेल। ये एलोवेरा जेल है और ये जो है आप किसी भी ब्रांड अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, जो भी ब्रांड का आपको मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर ब्रांड ही लेना है, क्योंकि ओथ्री प्लस में जो जेल आता है वो अलग चीज़ है और हमें वाइटनिंग देनी है स्किन में, तो दैट्स वाई मैं एलोवेरा जेल दे रही हूँ ताकि स्किन की वाइटनिंग भी हो और स्किन के जो पोर्स हैं उसमें डीप हाइड्रेशन हो जाए। और एलोवेरा जो होता है ना हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। मशीन वाले हैं ये आरएफ। ये आरएफ क्या करता है, ये पेनिट्रेशन का काम तो हमारे
किसने कर दिया? अल्ट्रासोनिक ने, ठीक है। और अब हम यूज़ कर रहे हैं आरएफ। आरएफ का काम ये होता है कि ये स्किन के रिंकल्स को टाइट करता है। जैसे हमने जो भी प्रोडक्ट पेनिट्रेशन करी है, ओपन पोर्स करेंगे, उनको टाइट करेगा, ठीक है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी सेट कर देते हैं, 5 कर देते हैं, ऐसा करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं अभी। और इसे अब हम यूज़ करके देखते हैं। ये हल्की सी ना हीट जनरेट करता है, हल्की सी, बिल्कुल माइनर। अगर एक जगह करके रखो तो गरम गरम लगता है। गाइज, बाकी सारा वर्क कंप्लीट होने के बाद लास्ट का जो हमारा स्टेप है वो है हमारे एलईडी मास्क का। बट इससे पहले हमने जो है इसके ऊपर लगाया है शीट मास्क फेस की स्किन के ऊपर, और उसके बिना जो है हम डायरेक्ट एलईडी मास्क अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एलईडी हमने सभी कलर्स की लगाई है जो कि इनकी स्किन की टाइटनिंग को, टैनिंग को और ओपन पोर्स को, पिंपल्स को, प्रॉब्लमेटिक स्किन भी हो रही है कहीं कहीं एरिया पर और अनइवन भी हो रही है, तो सभी की सभी एरिया पर इसे की क्योर करेगा। सो गाइज, इसमें हमने मल्टी कलर इसलिए लगाया था क्योंकि हर लाइट का एक अपना इफेक्ट होता है और हम चाहते थे कि पूरे के पूरे फेस के ऊपर प्रॉपरली वर्क करे, एवरी एरिया के ऊपर, जहाँ जहाँ पर जिस जिस लाइट ने वर्क करना है वो करे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जैसे वाइट हेड थे, आप देख सकते हैं वो स्किन थोड़ी सी हल्की सी रेडनेस है, वो पिम्पल जो है बिल्कुल रिमूव हो चुके हैं, उनके अंदर की पस रिमूव हो गई। सो आइए सुनते हैं हमारे क्लाइंट का रिव्यू। हाइड्रा फेशियल करवाने के लिए आई थी नीतू जी के पास और बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छी फीलिंग रही और उन्होंने किया भी बहुत अच्छे से। तो आपको जिसको भी अभी हाइड्रोफेशियल करवाना है इनके पास ज़रूर आइए, इस एरिया में वन ऑफ द बेस्ट नेल डिज़ाइनर नीतू जी। मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जो हम नॉर्मल फेशियल करवाते हैं वो हैंड से होता है और वो थोड़ा ऐसे होता है जैसे कोई फेस पे कोई स्क्रब कर रहा है बहुत ज़ोर से, लेकिन जो ये फेशियल है इसमें बहुत ही कूलिंग इफेक्ट आता है और फीलिंग बहुत सूदिंग फीलिंग आती है। सो रिलैक्सिंग लगा, रिलैक्सिंग लगा, बहुत रिलैक्सिंग। थैंक यू सो मच मैम। और हाइजीनिक लेवल पे कैसा लगा? हाइजीनिक तो ये बहुत है क्योंकि इसमें हैंड्स यूज नहीं होते, जो भी होता है सब कुछ मशीन से होता है, तो बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक्स टू यू टू।